जय श्री राम मित्रों, मैं विराम ज्योतिषी आज फिर से उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि शायद मैं हजारों सेशंस यूट्यूब पर अपलोड कर लूँ फिर भी उसकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। हम आज बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। उसको समझने के लिए आप देखो क्या क्या ज़रूरत है हमारी लाइफ की। हमारी लाइफ में किसी भी तरह का कम्फर्ट चाहिए तो उसमें धन की बहुत बड़ी अहमियत है। ये बात तो सच है कि धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धन से हमारी लाइफ की 80-90% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं। मनुष्य के जन्म को अच्छी तरह से सरवाइव करने के लिए जो सबसे ज़रूरी संसाधन है, उन सब का जुड़ाव शुक्र ग्रह से ही है। शुक्र ग्रह का जो लिंकेज निकलता है वो दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी से निकलता है, और शुक्राचार्य जी ने ही मृत संजीवनी विद्या को जनरेट किया था। मृत संजीवनी विद्या का कॉन्सेप्ट ये है कि वो मरे हुए को जीवित कर देती है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति के पास धन आता है आज की डेट में, चाहे उसकी कद काठी कोई भी हो, चाहे उसका रंग रूप कोई भी हो, किसी भी तरह का दिखता हो, लेकिन आप देख लोगे धन आने के बाद उसकी चमक, उसकी टेंडेंसी, उसकी बातचीत, उसकी पर्सनालिटी सब कुछ बदल जाता है। और अगर व्यक्ति के लाइफ में सब कुछ है और अगर धन नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, हार्ड वर्किंग है, सब कुछ है, लेकिन धन नहीं है, तो भी व्यक्ति की लाइफ बहुत आगे प्रोग्रेसिवली वर्क नहीं कर पाती। व्यक्ति हर प्रकार से परेशान और पीड़ित नज़र आता है। और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आज की डेट में पहुँच रहे हैं वो शुक्र ग्रह से संबंधित ही हैं। शुक्र ग्रह केवल हमारी लाइफ में वेल्थ को या कंफर्ट्स को ही रिप्रेजेंटेट नहीं करता है। शुक्र का संबंध अगर कोई मेल है तो उसकी वाइफ से भी है। अगर किसी की पत्नी सही मिल जाए तो भी लाइफ में चार चांद लग जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सही पत्नी, सही अर्धांगिनी उन प्रॉब्लम में आपका साथ देती हैं, प्रॉब्लम से लड़ने में आपकी बराबरी की भागीदार हो जाती हैं। और मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जो व्यक्ति आज की डेट में ज़्यादा कामयाब दिख रहा है, कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। हमारे फीमेल स्पाउस को धर्म पत्नी बोला गया है, लक्ष्मी का स्वरूप बोला गया है, अर्धांगिनी बोला गया है। इन सब का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं शुक्र से ही आता है। पत्नी ही तो है जो हमारे घर में ना रहने पर पूरे घर को मैनेज करती है, कब क्या कैसे कहाँ चाहिए उस सारी चीज़ों की व्यवस्था पत्नी अकेले करती है। और जब वो देखती है कि पति हमारा किसी कारणवश कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो कुछ करने के लिए भी खड़ी हो जाती है। इसलिए हमारी लाइफ में फीमेल का भी रोल बहुत बड़ा है। अगर हम दूसरे अर्थ में बात करें तो फीमेल के चार्ट में वीनस फीमेल को ही रिप्रेजेंटेट करता है। मेल की जो टेंडेंसी है ना, उसको धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सुकून चाहिए, ये उनकी डिमांड होती है। और फीमेल्स की अगर आप डिमांड देखोगे तो वो क्या चाहती है? मैं आने वाली 16 जून 2024 को एक मेगा वर्कशॉप करने जा रहा हूँ, जिसमें आप मेरे से फ्री में कुंडली दिखा सकते हैं और मेरे वर्कशॉप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे वर्कशॉप को फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे से फ्री में कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है, उनको कॉन्टैक्ट करके हमारे फ्री वर्कशॉप की सारी जानकारी प्राप्त कर लें। और फीमेल्स की अगर आप डिमांड देखोगे तो वो क्या चाहती हैं? रिच पति चाहती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है रिचनेस का, ये जो कॉन्सेप्ट है वेल्दी होने का, वो भी अपने स्पाउस से, वो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह का ही उससे संबंध है। कोई भी लड़की थोड़ी भी प्रैक्टिकल है अगर, ऐसे लड़के से विवाह करना पसंद नहीं करती है जो अपने लाइफ में या तो फाइनेंशियल स्टेबल ना हो या उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख ना रही। तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल के चार्ट में वीनस कंफर्ट्स को रिप्रेजेंटेट करता है, वीनस वाइफ को रिप्रेजेंटेट करता है, वीनस लग्जरी को रिप्रेजेंटेट करता है, वीनस स्पर्म को भी रिप्रेजेंटेट करता है, स्पर्म काउंट्स को भी रिप्रेजेंटेट करता है, डिजायर्स को रिप्रेजेंटेट करता है। और अगर किसी फीमेल की बात करें, किसी महिला की बात करें, किसी लड़की की बात करें, उसकी कुंडली में वीनस उसके स्वरूप को रिप्रेजेंटेट करता है, वो भीतर से कैसी है इस बात को भी रिप्रेजेंटेट करता है, उसका व्यवहार कैसा है, दृष्टिकोण कैसा है, मेंटेलिटी कैसी है, उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, ये चीज़ को भी वीनस रिप्रेजेंटेट करता है।
आज की डेट में वशीकरण की बात करी जाती है, अट्रैक्शन की बात करी जाती है, अपना इन्फ्लुएंस डालने की बात करी जाती है कि हम कोई भी काम करें, दिखें, लोग हमें अप्रिशिएट करें, हम लोगों से जल्दी तालमेल बिठाने में सफल हो जाएं, हम दूसरों पर इन्फ्लुएंस डाल सकें, किसी को कन्विंस कर सकें। ये सारे गुण कहीं ना कहीं शुक्र के ही हैं। लव का भी कारक शुक्र है, ब्यूटी का कारक भी शुक्र है, और हमारी लाइफ में जो कंफर्टेबिलिटी है उसका भी कारक कहीं ना कहीं शुक्र ही है। शुक्र लव एंड रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंटेट करता है। आपका किसी से प्रेम कितना है, इसको हर अर्थ में आप ले सकते हो, क्योंकि एक बहन भी भाई से प्यार करती है, एक भाई भी अपनी बहन से प्यार करता है, पिता भी पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र भी किसी ना किसी से प्रेम करता है, इष्ट से भी प्रेम होता है, गुरु से भी प्रेम होता है, किसी रिलेटिव से भी प्रेम होता है, मित्रों में भी प्रेम होता है। जिस भी तरह के प्रेम की बात आप करते हैं, वो सारे प्रेम का कनेक्शन शुक्र ग्रह से ही है। शुक्र की अपनी राशियां वृषभ राशि और तुला राशि मानी जाती है। जब वृषभ राशि को आप समझने की कोशिश करोगे तो वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से दूसरे भाव को रिप्रेजेंटेट करती है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सात नंबर राशि सातवें भाव में पड़ती है, इसलिए सातवें भाव से हम स्पाउस को देखते हैं, रिलेशंस को देखते हैं, डेली नीड्स को देखते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है और उसमें जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, जरूरी हैं, बिना उन चीजों के नहीं चल सकती हमारी लाइफ, वो सारी चीजों को तुला राशि ऑन करती है। एक मधुमक्खी को फूल पर विचरित करते हुए देख रहे हो तो मधुमक्खी उस फूल में से पराग भी ले लेती है मधु बनाने के लिए, और फूल का भी कोई लॉस नहीं होता है, फूल का कुछ नहीं जाता, फूल एज इट इज रहता है, लेकिन मधुमक्खी अपने मतलब की चीज वहां से निकाल लेती है। जो इस प्रकार का नेगोशिएशन है कि सामने वाले का अहित भी ना हो, सामने वाले का लॉस भी ना हो और मेरे भी कुछ बेनिफिट्स हो जाएं, इस नेगोशिएशन को पॉजिटिव नेगोशिएशन बोला जाता है, और ये गुण ही जिसका शुक्र अच्छा होगा उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगा। आपने एक ऐड देखा होगा फेयर एंड लवली का, पहले आता था तो उसकी एक थीम लाइन थी, पहले आप, अगर कोई मेरे लिए 1% भी काम कर रहा है, मेरा 1% भी हित सोच रहा है, तो मैं उसका 3%, 5%, 10% करने के लिए तैयार हूं। ये पॉजिटिव वीनस का नेचर है। जिसका शुक्र बहुत अच्छा होगा, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा, जिस भी प्रोफेशनल फील्ड में होगा, उससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं होगा, और एक चुंबकत्व दिखेगा, खिंचाव दिखेगा। जिस व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा होगा, लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है, वो लोग किसी भी व्यक्ति को विद इन सेकेंड अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट उनके अंदर होता है, तो डांसिंग की स्किल हो सकती है, म्यूजिक की स्किल हो सकती है, परफॉर्म करने की स्किल हो सकती है, लोगों को कुछ समझाने की स्किल हो सकती है, पेंटिंग करने की स्किल हो सकती है, डिज़ाइन करने की स्किल हो सकती है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट देखने को ज़रूर मिलेगा जिसका शुक्र पॉजिटिव होगा। जिसने शुक्र को एक्टिव कर लिया, अपने आप सब अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे। फेम देने का कारक तो सूर्य है, लेकिन अट्रैक्ट करने का कारक शुक्र है। जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, ब्रांड्स उनको अट्रैक्ट करते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को ही कैरी करना पसंद होता है, 10 चीज़ की बजाय एक चीज़ हो लेकिन सब पे भारी हो, ऐसी मेंटालिटी होती है शुक्र जिनका पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं, शुक्र अगर नेगेटिव है तो क्या होगा। आगे अभी आप स्किप मत करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। अभी मैं आपको नेगेटिव ट्रेट्स भी बताने वाला हूँ, रेमेडीज भी बताने वाला हूँ, आप अपने शुक्र को अच्छा कैसे कर सकते हैं, मजबूत कैसे कर सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय करके या व्यवहारिकता को फॉलो करके वेल्दी आप कैसे हो सकते हैं, ये सारी बातें आगे अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं, शुक्र अगर खराब है तो किसी व्यक्ति में क्या क्या दोष देखने को मिल सकते हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र खराब होता है, उस व्यक्ति के भीतर किसी भी चीज़ को अति में करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। इसका तात्पर्य यह है, सपोज आपको लगता है कि आपका काम 4-5 क्लॉथ्स में चल जाएगा, लेकिन ऐसे लोग जैसे ही कोई शॉपिंग मॉल में जाएंगे या जैसे ही कोई वेबसाइट पे कपड़ों को देख रहे हैं, तो एक साथ कहो 10-15 कपड़े ऑर्डर कर दें और उस कपड़े को कभी पहने भी नहीं। इसी तरह ज्वेलरी के केसेस में हो सकता है, इसी तरह से घर के केस में हो सकता है, इसी तरीके से फर्नीचर्स के केस में हो सकता है, इसी तरीके से रिलेशंस बिल्ड करने के संदर्भ में हो सकता है, मल्टीपल रिलेशंस में जा रहे हैं और किसी एक भी रिलेशन की कदर नहीं कर रहे। शुक्र जिनका खराब होता है,
ऐसे लोगों में जो दूसरा दोष देखने को मिल सके, वो व्यक्ति डिपेंडेंट हो जाता है किसी ना किसी व्यक्ति पर, मतलब निर्भर बना रहेगा। किसी प्रोफेशन पर निर्भरता हो सकती है, किसी कंपनी पर निर्भरता हो सकती है, किसी व्यक्ति पर निर्भरता हो सकती है। लोगों की सफलता के पीछे कई लोगों का हाथ होता है, पूर्वजों का हाथ होता है, माता पिता के सत्कर्मों का फल होता है, आपकी अपनी मेहनत भी होती है, जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका अच्छा चाह रहे हैं, उनकी भी तो इंपॉर्टेंस होती है। तो जिस व्यक्ति का शुक्र खराब होगा, वो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाएगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी उसको, लगे ये नौकरी चली गई फिर मेरा क्या होगा। वो खुद को वैल्यूएट नहीं कर पाता, खुद में वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाता है। खुद को बेस्ट बनाने की जो कला है वो पॉजिटिव शुक्र की है। दूसरों से अपने हित का चाहना, दूसरों से लाभ चाहना बिना खुद बने, ये खराब शुक्र के लक्षण है। अगर आपके भीतर भी है तो अभी मैं रेमेडीज कुछ बताने वाला हूं, उन उपायों को लगातार करिए। अगर पॉजिटिव शुक्र भी है आपका तो भी मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप वो क्वालिटी को और इन्हेंस कर सकते हैं। जिसका शुक्र अच्छा हो गया ना, उस व्यक्ति की वेल्थ अपने आप बढ़ती चली जाती है, उसको धन के लिए सोचना नहीं पड़ता, उससे लोग संबंध बनाने खुद खड़े होते हैं, रिलेशंस बनाने खुद खड़े होते हैं। ऐसे आप लोगों को देखोगे कि उनसे लोग खड़े हैं, ये मेरा संबंधी बन जाए, ये मेरा रिलेटिव मिल जाए, ये मेरा कलीग बन जाए, ये मेरा रिश्तेदार बन जाए, आपके आगे पीछे आदमी घूमेगा अगर शुक्र आपका अच्छा होगा। आगे मैं भी आपको उपाय बताने वाला हूँ, पहले चीजों को समझिए अभी क्या चल रहा है। जब किसी व्यक्ति का शुक्र नेगेटिव हो जाता है ना, वो व्यक्ति संघर्षों से बचता है। आपको हर जगह प्रॉब्लम समझ में आने लगेगी। आप फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रहना, ये पॉजिटिव शुक्र का बहुत बड़ा गुण है। अगर किसी कोई व्यक्ति फिजिकल चीज़ों पर बहुत कंसंट्रेट नहीं कर रहा, उसको सिचुएशंस, उसको स्थितियां, परिस्थितियां भयभीत कर रही हैं, डेडिकेशन नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, और लाइफ में करना क्या है, अचीव करना है, उसके लिए सेक्रिफिकेशन नहीं है, उसको किसी भी हद तक जाना और किसी भी हद को पार करना, अगर ये नहीं पता है तो वो कहीं ना कहीं शुक्र का सबसे बड़ा दोष है। मैं आपको फिर से एक बात बोल रहा हूँ, अगर ये दोष आपके भीतर भी दिख रहे हैं ना तो खड़े हो जाइए। बिना ये दोष दूर किए आपकी लाइफ ट्रांसप्लांट नहीं होगी। जीवन भर ना तो लोग आपसे संबंध बनाएंगे, ना तो जीवन में आपको पास धन आएगा, सब चीज़ वहीं की वहीं रहेगी। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र बहुत खराब हो जाता है, वो व्यक्ति बहुत मैटरिस्टिक हो जाता है, उसको चीज़ें सारी चाहिए, करना कुछ ना पड़े, घर में हमारे सारी सुविधा हो। जब एक बात होती है ना, व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने हिसाब से ढालना चाहता है कि सिचुएशन मेरे हिसाब से हो जाए, पत्नी मेरे हिसाब से हो जाए, बच्चे मेरे हिसाब से हो जाए, बड़े बुजुर्ग मेरे हिसाब से हो जाए, हमारा मोहल्ला हमारे हिसाब से हो जाए, नेबर्स हमारे हिसाब से हो जाए, ये नेगेटिव वीनस का सबसे बड़ा दोष है। अगर आपके भीतर भी ऐसी चीजें दिखने को मिल रही हैं कि आप सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंगली ढालना चाहते हैं, तो आपका शुक्र बहुत खराब है। जिसका शुक्र अच्छा होता है ना, वो किसी भी सिचुएशन में खुद को ढालने की ताकत रखता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। लेकिन जिनका शुक्र खराब होता है, वो व्यक्ति को किसी भी तरह का अनकंफर्टेबिलिटी आते ही वो परेशान हो जाता है, स्विच करने की कोशिश करने लग जाता है, भागने की कोशिश करने लग जाता है, और जीवन में भाग के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मेरा जो इंटेंशन है ना एस्ट्रोलॉजी करने का, वो यही है कि आपको आपसे अवेयर कराना। साइंस एक लैंग्वेज है, ज्योतिष शास्त्र एक लैंग्वेज है, आपको उपाय तो स्वयं में परिवर्तन लाके ही बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। रेमेडीज जो एस्ट्रोलॉजिकल दी जाती हैं वो काम करती हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको जागना पड़ता है, आपको खड़ा होना पड़ता है, अपने दोषों को ढूंढना होता है और उनको चैलेंज में करना होता है कि अब तक तू रहा है, अब नहीं रहेगा, तभी आपका भला हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र खराब है तो सबसे पहले तो उसको शुगर हो सकता है, और जब आप शुगर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ते हुए देखते हो तो आपकी किडनी में अटैक करता है और आपकी विज़न को ब्लर कर देता है। इसलिए जो आँखों की जो विज़न है वो कहीं ना कहीं उसका भी संबंध शुक्र से होता है। जिस व्यक्ति का शुक्र खराब होगा, आँखों की तकलीफ हो जाएगी। रेटिना भी शुक्र का कारक माना जाता है, आँखों की तकलीफ हो सकती है, और आपकी किडनी जो है वो पूरी तरह से आपका शुक्र ही है। आपका जो उसमें कहीं ना कोई बीमारी देखने को मिल सकती है। आपका जो फेस है उसमें रूखापन दिखेगा, सौंदर्य क्रीम को यूज करने के बाद आपका फेस जल जाएगा। कुछ लोगों को आप देखते होंगे तो कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी में। कुछ बीमारियां हमारी गलतियों से हो जाती हैं या दूसरों की गलतियों से हो जाती है, जैसे कभी कभी मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है, ओवरडोज हो गया, जो दवा खानी थी उसके अलावा कोई दूसरी दवा खा ली, ये भी कहीं ना कहीं शुक्र के खराबी के लक्षण हैं।
शुक्र अगर किसी व्यक्ति का खराब होगा तो स्किन आपकी कहीं ना कहीं जल जाएगी, स्किन में वो टोन नहीं रहेगी और बॉडी में कलर टोन देखने को नहीं मिलती है। जो एक ग्लो है आपकी स्किन में, जो ग्लो रहता है वो ग्लो खत्म हो जाता है आपके फेस से जिन लोगों का शुक्र खराब होता है। अभी जब कोविड आया था उस समय में इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा हाईलाइट में आया। जब किसी व्यक्ति का शुक्र खराब होगा उसका इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा। हर्पीज एक बीमारी है जो इम्यून सिस्टम वीक होने के बाद ही उसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो अगर शुक्र खराब है तो हर्पीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका शुक्र खराब है, इम्यून सिस्टम आपका बहुत वीक रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी में खत्म सी हो जाती है अगर शुक्र आपका वीक होता है तो। बॉडी के जो पॉजिटिव बॉडी सेल्स हैं वो भी खत्म होने चालू हो जाते हैं जब आपका शुक्र वीक होता है। अब बात करते हैं उपायों की। जिस व्यक्ति को अपना शुक्र सही करना हो और अगर वो मेल है तो सबसे पहले अगर शादी हुई है तो अपनी पत्नी को इम्पोर्टेंस देना चालू करिए। उनका नेचर कुछ भी हो, वो कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन उनको समझिए, उनको ऑब्जर्व करिए, उनके हिसाब से भी चीज़ों को करिए। स्त्री अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आती है, अपना परिवार छोड़ देती है, गोत्र छोड़ देती है, जाति छोड़ देती है, धर्म छोड़ देती है, संस्कार छोड़ देती है, घर परिवार छोड़ देती है, जिन माता पिता ने उनको जन्म दिया उनको भी छोड़ देती है, जिन भाई बंधुओं के साथ उसने समय बिताया है उनको भी छोड़ देती है। आपका सब कुछ अब उसका हो जाता है और आप ही अगर उसको अहमियत ना दे पाए तो कहीं ना कहीं आप अपने शुक्र ग्रह को खराब कर ले जाते हैं। अगर कोई फीमेल है और अपने शुक्र को सही करना चाहे तो वो अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दे, बन ठन के रहे, जो कपड़े पहनने चाहिए जब वो पहने। आप ईश्वर की उत्कृष्टतम कलाकृति हो। मैं आज की जो सोसाइटी है, आज का जो माहौल है, जो आजकल फूहड़पन चल रहा है, उनको बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आपकी एथिकल वियर्स हैं, जो चीज़ें जहां ज़रूरी हैं वैसे ही कपड़ों को अहमियत मिलनी चाहिए। लेकिन जिन फीमेल्स को अपना शुक्र सही करना है वो कोशिश करें कि अपना जो भी उनका ड्रेसिंग सेंस है उसको अच्छा रखें, जो मेकअप्स वगैरह यूज़ करने हैं वो हल्का हल्का यूज़ ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका शुक्र मजबूत होता चला जाता है। लेकिन ओवर मेकअप नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। शुक्र अगर किसी को मजबूत करना है तो सबसे पहले अपना चरित्र सही करें, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बिना चरित्र सही किए आपका शुक्र अच्छा हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति को अपना शुक्र सही करना हो उन्हें पुष्पों को बहुत रिस्पेक्ट देनी होती है। पुष्पों पर केवल देवताओं का अधिकार है या जो देवता तुल्य व्यक्ति है उसका अधिकार है। आप जहां भी देखिए पुष्प गिरा आपके पैर नहीं पड़ने चाहिए। अगर केवल पुष्प ही चढ़ाने चालू कर दो ना भगवान को तो उनके जो गुण है वो आपके पास चलते चले आते हैं। इतनी बड़ी अहमियत है और ये सनातन कल्चर ही बता सकता किसी, इसलिए पुष्पों की रिस्पेक्ट बहुत करिए। जो छोटी बच्चियां हैं 16 साल के अंदर की, उन पर बुरी नजर डालने से बचिए। 16 साल के अंदर की जो टीनएजर्स गर्ल्स हैं वो प्रॉपर शुक्र होती हैं, पूरी वीनस होती हैं वो। अगर आपने उन पर दृष्टि डालने की कोशिश करी तो आपका शुक्र पिटने वाला है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, शुक्र आपका अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में बताइए जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीज़ें आप पर लग रही हैं नहीं लग रही। शुक्र अगर अच्छा है तो भी लिखिए, उससे जितने व्यूवर्स आएंगे उनको भी ये चीज़ें समझने को मिलेंगी। खराब है तो लिखिए। जिन लोगों के कमेंट्स कॉन्टिन्यू आते रहेंगे, रेगुलरली आते रहेंगे, उन लोगों को सेलेक्ट भी किया जाएगा मेरे से लाइव बात करने के लिए या पर्सनल मीटिंग्स के लिए। तो आप सभी अगर मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे से विदाउट एनी फीस कुंडली दिखाना चाहते हैं या मेरा कोई कोर्स लगभग फ्री में पाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियोस पर अगर आप कंटिन्यू कमेंट्स करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आप में से किन्हीं लोगों को पिक कर लूँगा मेरे से मीटिंग के लिए, मेरे से कुंडली दिखाने के लिए या मेरा कोई कोर्स करने के लिए। मैं आपको पिक कर लूँगा।